अक्सर सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, डल, खिंची खिंची सी लगती है, तो आज का DIY फेशियल आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि चाहे कितनी भी ठंडियाँ क्यों ना आ जाए, आपकी स्किन बिल्कुल डन नहीं होगी अगर आप इस फेशियल को बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से करते हो। आज की इस वीडियो में सबसे पहला स्टेप है स्किन को क्लीन करना, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, घर की ही दही है, 1 चम्मच आपको लेनी है। उसमें ऐड करनी है आपको वाइल्ड टर्मरिक, आंवला, हल्दी, सब एक ही हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें, स्किन पे अप्लाई करें, जैसे कि आप फेस वॉश करते हैं वैसे ही बिल्कुल जेंटली मसाज करनी है। लैक्टिक एसिड होने की वजह से दही में ये आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करती है, स्किन की सारी गंदगी को निकाल देती है, क्योंकि जब तक स्किन से गंदगी नहीं निकलेगी तब तक आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा, और डेड सेल्स की वजह से ही आपकी स्किन का ग्लो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी अच्छे से मसाज करें। आप इसको रेगुलर बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ फेस वॉश की तरह ही काम करता है। दही बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, विंटर के लिए तो बेस्ट है। आप कोई भी मार्केट वाला फेस वॉश मत लो, ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए बेस्ट है ये। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है 2 से 3 मिनट के बाद, एंड आप देखोगे स्किन एकदम से हाइड्रेट हो जाएगी। गाइस फर्स्ट स्टेप है केवल, अभी आगे देखो और क्या मैजिक होने वाला है। अच्छे से वॉश करने के बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। भाई हमें अब करना है स्किन को एक्सफोलिएट, क्योंकि स्किन जब तक हमारी एक्सफोलिएट नहीं होगी, हमारे डेड सेल्स नहीं निकलेंगे, पोर्स क्लीन नहीं होंगे, और वाइटन एंड ब्लैक हेड्स भी नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए चावल का आटा, और उसमें आपको ऐड करनी है पिंच ऑफ हल्दी, और मैंने यहाँ पे कच्चा दूध ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके आप अपने फेस पे रब करें। इससे बहुत ही जेंटली मसाज करनी है, क्योंकि विंटर्स टाइम है, स्किन को बिल्कुल रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, क्योंकि स्किन को हमें बहुत ही जेंटल मसाज देंगे, तो स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं करना है। जेंटल मसाज से ही आपकी स्किन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट से मसाज से ना नोज एरिया के आसपास जो आपको वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, हेड एरिया पे, चिन एरिया पे, ये इजीली निकाल देगा। अगर आप जन कोई ऐसे है जो बिल्कुल स्किन केयर नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते कि स्किन केयर DIY बकवास होते हैं ये सब, तो एक बार मेरे कहने पे आप लोग ये ट्राई करके देखो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार स्टीम भी ले लेना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इजीली आपके वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। अगर जितनी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं, स्किन बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छा ग्लो आता है फेस पे, एंड साथ साथ आपके डर्ट सेल्स को जमने नहीं देता है, तो इससे आपकी स्किन डल नहीं होती है। तो ये प्रोसेस करने के बाद मेरी स्किन तो काफ़ी क्लियर हो गई थी। उसके बाद हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है मसाज। भाई मसाज हमारे हर फेशियल में मेन होता है, क्योंकि हमें अपने फेस का जो ब्लड होता है ना, उसको एक्टिव करना होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल, पिंच ऑफ हल्दी, एंड हमने यहाँ पे कच्चा दूध ऐड किया है। ये मसाज के लिए इनफ है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस में मसाज करो। मसाज का प्रोसेस कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से मसाज देते हो ना, तो आँखों के आसपास का जो एरिया होता है ना, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चराइज़र की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं। मसाज करने से वहाँ पे मॉइस्चराइज़र मिलता है, जो आपके डार्क सर्कल को दूर करता है, साथ साथ जो फाइन लाइन्स हो जाती है आँखों के पास आसपास मॉइस्चराइज़र से, वो भी दूर होती है। तो मसाज बहुत मेन है स्किन पे। आप हफ्ते में एक बार मसाज का प्रोसेस करके देखो, स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, साथ साथ आपकी स्किन यंग होती है, यूथफुल होती है, ग्लो बना रहता है, और स्किन पर बहुत ज़्यादा चमक आती है। तो इस प्रोसेस को 5 से 10 मिनट करने के बाद आप अपनी स्किन का जो भी क्रीम बेस है ना, उसको अच्छे से पेनेट्रेट कर लें, सुखा लें, और फिर नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लें। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने बस फटाफट किया और क्रीम को पूरा निकाल दिया, अच्छे से उसको स्किन के अंदर जाने दें। जो भी मैं यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ, वो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, मोस्टली सभी को आते हैं, क्योंकि ये वाले स्टेप होते हैं ना, आपकी स्किन पे अच्छे से इजीली से हो जाते हैं, और मसाज करने में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैंने पूरी क्रीम को अपनी स्किन के अंदर जाने दिया था, जिससे कि जो भी हमारी स्किन के अंदर जो मॉइस्चराइज़र की कमी होती है ना गाइस, वो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को मिलता है। जो भी परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए टाइम लगता है, तो जब तक हम अपनी स्किन पे कोई चीज़ जाने नहीं देंगे, तब तक वो हमारी परेशानियों को दूर नहीं करेगा। तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद गाइस, आपका जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है पैक लगाना। पूरे फेशियल का मेन की होता है पैक। भाई पैक नहीं लगाया तो आपके सारे प्रोसेस बेकार हैं, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हैं, आपने जो भी स्किन पे आपने इतना सारा जो इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, उनको लॉक करने के लिए एक पैक बहुत ज़रूरी है।
तो पैक के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, जो मेरा मैंने मसाज क्रीम रेडी की थी वो मेरी बच गई थी। आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, 2 से 3 दिन रख ले। तो मैंने इस क्रीम का ही यूज़ किया है, इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन ऐड कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें हनी ऐड किया है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हील करती है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर कच्चा दूध या गुलाब जल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, और थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी ऐड की, बस ये इनफ है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करें और स्किन पे एक अच्छी सी बेहतरीन सी लेयर लगाएं, पूरे नेक पे भी कवर कर लें, क्योंकि नेक भी हमारा ही है, अलग बिरादरी का नहीं है गाइस, तो वो भी अलग ना लगे। तो मैंने जो फेशियल किया आप उसको नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो इस पैक को पूरी तरीके से अपने नेक पे लगा लें, एंड उसको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखोगे ये पूरा ड्राई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एलोवेरा जेल है, ये क्रीम का पैक बना हुआ है, तो आपकी स्किन को जो वर्क करना चाहिए वो ऑलरेडी कर चुका होगा। तो आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। भाई जब आप लास्ट स्टेप करके अपना फेस वॉश करोगे ना, मैं बोलूँगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि आपकी स्किन इतना ज़्यादा हाइड्रेशन, इतना ज़्यादा ग्लो आपकी स्किन पर। आप इसे करके देखो, हफ्ते में एक बार इसको कर सकते हो, आप 15 दिन में इसको एक बार कर सकते हो, मैच्योर स्किन में हो तो भी आप इसको करो, क्योंकि फेशियल करवाना ही चाहिए। अगर आप 30+ हो तो 15 दिन में एक फेशियल आपकी स्किन पे ज़रूर मिलना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन टाइट रहे, यूथफुल रहे और आपकी स्किन का ग्लो बना रहे। तो ये सिंपल सी वीडियो के थ्रू मैंने आप लोग को मैसेज दिया है कि आप अपनी स्किन का कितने सिंपल तरीके से घर के इंग्रीडियंट से केयर कर सकते हो। महंगे महंगे फेशियल की जगह आप इसको करके देखो। मैं ये नहीं बोलती कि पार्लर मत जाओ, बिल्कुल जाओ, दोनों चीज़ें मेंटेन रखो, बट एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखो। करवा चौथ और दिवाली भी आने वाला, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।